फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर कलांचों के फ्लावर्स के साथ। और आज का वीडियो गार्डन ओवरव्यू पर है और मैं आपको जो भी मेरे गार्डन में इस टाइम फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं वो सभी दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर विंका के फ्लावर्स के साथ। और ये सारे वही प्लांट्स हैं, ये दो मिक्स मैच करके लगाया हुआ है मैंने, एक पॉट में दो दो लगाया है, ऐसे करके सभी को लगाया है। और ये शॉपिंग वाली वीडियोस में आप लोग के साथ शेयर भी किया था जब ये प्लांट्स बाय किए थे। तो अब इनमें अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। छोटे छोटे प्लांट्स मैं लेके आई थी, आप लोगों के साथ शेयर किया था। और ये रेड वाला है और इसमें बहुत सारे फ्लावर्स ब्लूम किए हुए हैं। और ये पेंटास है, इसमें भी खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और ये रहा मोंगरा, ये जो है बड मोंगरा है फ्रेंड्स। और यहाँ पर सनफ्लावर है, सनफ्लावर में भी खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और ये अजोरा आप लोग के साथ शेयर किया है, अभी रिसेंटली बाय किया है। और ये भी शॉपिंग वाली वीडियोस में आप लोग के साथ शेयर किया था। और ये है टिकोमा, टिकोमा लास्ट ईयर बाय किया था। और इसमें कई बार फ्लावरिंग हो चुकी है, फिर कुछ फ्लावर्स पेंट हो जाते हैं, फिर कुछ आते रहते हैं, इस तरीके से इसमें लगा रहता है। और ये गजाने के कुछ प्लांट्स रह गए हैं, उनमें भी अभी फ्लावरिंग हो रही है तो इसलिए मैंने उन्हें रहने दिया था। और जो फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं हटा दूंगी। और ये हैं गर्मियों वाले पिटूनिया, और ये कई जगह निकल आए थे गार्डन में तो मैंने सभी को एक पॉट में लगा दिया है। और ये है कलेडियम, ये भी शॉपिंग वाली वीडियोज़ में आप लोग के साथ शेयर किया था। और ये भी खूब अच्छे से ग्रो कर रहा है। और ये विंका जो है, ये मैंने ना तो बाय किए ना लगाए, ये अपने से कहीं से आ गए निकल रहे हैं। और ये हैं आइजोरा, आइजोरा की केयर इंस्ट्रक्शन पे मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। और ये भी शॉपिंग वाली वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया था। चांदनी है ये, पिंक चांदनी, और ये भी कुछ टाइम पहले ही बाय किया है और इसमें भी खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और ये मॉस रोज़ अभी रिसेंट वाली वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया था। ये येलो कलर मेरे पास नहीं है, देसी वाला ही है ये, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने बाय कर लिया था। और फ्रेंड्स, यहाँ पर है कचनार, येलो वाला कचनार, और ये भी एक दो करके फ्लावर ब्लूम करता रहता है इसमें भी, क्योंकि ये बहुत छोटा सा प्लांट है अभी और विंटर सीजन में बाय किया था। और ये हॉली हॉक, ये काफ़ी लेट ब्लूमर निकला और इसे मैंने सीड से ग्रो किया है। इसका लाइट पिंक वाला शेड आप लोग को पहले दिखाया था, उसका प्लांट अब हटा दिया, काफ़ी फ्लावरिंग कर चुका था। और ये डबल हिबिस्कस है ऑरेंज कलर का, ये भी विंटर सीजन में शॉपिंग जब करी थी तब बाय किया था। और ये रंगून क्रीपर, ये हमने गेट पे बाहर लगा रखी है, तो ये वो है रंगून क्रीपर। और ये एडेनियम है फ्रेंड्स, इसकी खूब सारी प्रूनिंग करने के बाद से इसमें इसी तरीके से फ्लावरिंग होती जा रही है। और एक और हिबिस्कस येलो वाला, और ये भी शॉपिंग वाली वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया है। और ये भी विंटर सीजन में ही बाय किया था और इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल शेड लगता है मुझे। और हिबिस्कस का काफ़ी अच्छा कलेक्शन हो गया है। और ये वाला जो है, ये लायंस टेल हिबिस्कस बोलते हैं इसको, तो ये भी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। और ये है राखी बेल, ये रेड वाला है। और फ्रेंड्स, इस टाइम हिबिस्कस काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, हिबिस्कस एक और ये शेड है, और इसमें काफ़ी पेस्ट का अटैक भी होता रहता है तो इसको बहुत देखना पड़ता है। और ये रेड वाला है, ये काफ़ी हार्डी है, इसने कभी भी मुझे परेशान नहीं किया, हमेशा ये अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है। और विंटर सीज़न में भी इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हुई है, जबकि विंटर सीज़न हिबिस्कस का डोरमेंसी का पीरियड होता है, बट इसमें तब भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हुई है। और अब तो गर्मी आ गई है तो मैंने इसकी एक बार बस प्रूनिंग की जब से मैंने इसको बाय किया था, क्योंकि इसमें हमेशा बर्ड्स आती रहती हैं खूब सारी, तो फ्लावरिंग के टाइम में फिर प्रूनिंग करने का मन नहीं करता। और ये मेपल लीव हिबिस्कस है, और ये सीड से भी बहुत सारे बेबी प्लांट निकल आए हैं। और ये एकलिफा भी मेरा बड़ा फेवरेट है, क्योंकि बहुत ही हार्डी प्लांट है और ये भी प्लांट कभी परेशान नहीं करता। और ये ब्लू डेज है, ये सारे बड़े हार्डी प्लांट्स हैं, जैसे ये है ना, आप देखो, ये मालपीगिया कोसीगेरा बोलते हैं इसे, तो तारामणि में भी कभी भी कोई पेस्ट का अटैक मैंने नहीं देखा है और काफ़ी अच्छे से इसमें भी फ्लावरिंग होती है। और एक और पेंटास,
और फ्रेंड्स ये बोगनविलास हैं। बोगनविलास भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट्स रहते हैं और ये भी खूब अच्छे से पूरी गर्मी प्लानिंग करते हैं और बिल्कुल भी परेशान नहीं करते, क्योंकि इसमें कोई भी पेस्ट का अटैक आपको देखने में नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एडेनियम है, फिर ये थल कमल है, इसमें भी खूब अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर ये एलमेंडा है डॉर्फ वाला, और एक और एडेनियम, और ये टिकोमा में भी ठीक ठाक फ्लावरिंग चल रही है। तो टिकोमा ये सारे जो होते हैं ट्रम्पेट, बड़े हार्डी प्लांट्स होते हैं, बहुत ही तेज़ गर्मी में भी खूब अच्छे से इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। और ये बोगनविलास हैं कुछ, और बोगनविला भी बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं इस टाइम, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे बोगनविला जो है। इसे कटिंग से भी लगाना बड़ा ईजी रहता है। और यहाँ पर कुछ पॉर्चुलका है, पर्सलिन, तो ये सारे हैं, और नागचंपा भी बड़ा हार्डी रहता है, और ये तो आप लोग के साथ शेयर किया था सोन चंपा में भी खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। अडेनियम है, और अडेनियम भी बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें भी कोई भी केयर नहीं करनी पड़ती है, ज़्यादा फर्टिलाइज भी नहीं करना पड़ता है। और एक और टिकोमा में खूब अच्छे से फ्लावरिंग होती रहती है, कई बार ये वाला जो है ना बहुत फ्लावरिंग करता है। और यहाँ पे मॉस रोजेज हैं, मॉस रोजेज खूब अच्छे से फ्लावरिंग करने लगे हैं, और अब ये भी बड़े हार्डी रहते हैं, बट इसमें मिली बग्स बहुत लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा निगाह रखनी पड़ती है इन पे, क्योंकि ये बिल्कुल झाड़ी जैसे बन जाते हैं, फिर उसके बाद छुप के बैठ जाते हैं मिली बग्स, तो बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है मिली बग्स का। तो इसीलिए ये मुझे पसंद तो बहुत है, बट यही है कि मिली बग्स का अटैक बहुत ज़्यादा इस पर होता है। और यहाँ पर फ्रेंड मुसेंडा है, मुसेंडा भी रिसेंटली मैंने गार्डन में ऐड किया है, और ये जो है रेड कलर का था, बट अभी इसमें कलर इसका उड़ गया है। ये रोज़ का गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, और ये क्रीपिंग रोज़ है, और काफ़ी अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है। अब सीज़न नहीं है, शेड जो है इसका बदल गया है इसीलिए, लेकिन ये रेड सा है शेड इसका, और पिंक बोल सकते हो आप, मचिंटा जैसा शेड है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारे फ्लावर्स अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ किसी और नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय।